3 महीने के अंदर मेरे 3 पेपर निकले। सर ने कहा कि एक्सपीरियंस देना है और मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था, मतलब मेरे दिल में था कि मैं यहाँ आके कुछ ना कुछ दूँ। तो पहले बात तो सबको एक और खुशखबरी देने के लिए आज का दिन जो है वो निश्चित किया था ऊपर वाले ने, मैं कोई निश्चित नहीं करता, सही बात है। मैं तो पढ़ते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ और सभी के सभी ये बात को देखते भी हैं कि हम लोग अपने कामों में इंगेज्ड रहते हैं। और आज की इस व्यस्ततम ज़िंदगी में मेरा ऐसा मानना है कि लोगों के पास में समय नहीं है, और जो सफल व्यक्ति हैं उनके पास में तो और भी समय की कमी है। लेकिन ईश्वर का ये हम आशीर्वाद मानेंगे कि उन सफल लोगों में से भी जो अति व्यस्त हैं वो इस इंस्टीट्यूट के लिए समय निकालते हैं। मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए कहूँगा कि वो थोड़ा सा समय निकालते हैं और अपनी सफलता को यहाँ शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैं बड़ा अपने आप को धन्य मानता हूँ कि कोई सफल व्यक्ति खुद आता है, वरना हमें पता भी ना चले कि कौन सफल हो गया और कितने नहीं हुए। जिसका उदाहरण पिछली बार आपने रानू सोनी जो आए थे संविदा वर्ग 3, उनका सिलेक्शन हो गया था, खरगोन थे, कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये बताता है कि जगह जो है यदि आपको वो बनाती है तो आप उस जगह की रिस्पेक्ट करते हो और इसी आधार पर आप यहाँ पर आ पाते हो। तो वैसे ही सफलता की इस कड़ी में एक नया जो है वो नाम जुड़ने जा रहा है, और वो आपके कैटेगरी से बहुत ऊपर है। क्यों है? क्योंकि वे पहले एक बार भारत को अपनी सेवा, यानी भारत सरकार को अपनी सेवाएं, इस देश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, यानी कि वो एक्स सर्विस मैन है, एक्स आर्मी मैन है। आ रहा है कि नहीं समझ में? आर्मी को सेवाएं दे चुके हैं, उसके बाद में दूसरी बार पढ़ाई करना 17-18 साल के बाद में बहुत मुश्किल होता है। क्या सही कह रहा हूँ? हमारी पढ़ाई 3 दिन छूट जाए तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है हम अनपढ़ हो चुके हैं। और यहाँ पर 17 साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने पढ़ाई फिर से शुरू करी, उसके बाद में डेडिकेशन से पढ़ाई करी, परिवार, बच्चे, माता पिता सबकी जिम्मेदारी को निभाना और उसके बाद में इस जज्बे के साथ पढ़ाई करना कि अभी मैं आपको बता दूं, उनकी एक एग्ज़ाम नहीं निकली, 2 नहीं निकली, 3-3 निकली हैं। कितनी? 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इसको कहते हैं छप्पर फाड़ के मिलना, सही बात है। और ये संयोग की बात है, मैं इसका क्रेडिट भी नहीं लूँगा, मैं सिर्फ संयोग कहूँगा इसे कि जब उन्होंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा था तो एक भी नहीं थी और वो सतत अभी एग्ज़ाम देते आए और 3 निकल गई। सो दैट ये बताता है कि बस एक सही व्यक्ति का सही जगह होना आवश्यक है, बस उसके बाद में तो ऊपर वाला सब अपने काम कर देता है, सही बात है। तो मिलना चाहते हो फिर? यस। तो सर अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा समय मैं उनको देना चाहता हूँ। और भाई आर्मी मैन है तो थोड़ा बच के रहना हैं, वो तो इस जगह को इसलिए महत्व देते हैं कि अब हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी जो वो आपको समझाना चाहेंगे अपने बड़े भाई या फिर जो भी आप उनको एक ओहदा देना चाहते हो उस हिसाब से उनको सुनिएगा, हो सकता है आपकी बखियाँ उधेड़ने। वो आया कि नहीं समझ में? तो सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आर्मी मैन की या आर्मी की हम इज्जत इसीलिए करते, क्यों? क्योंकि वो ये नहीं फील करते कि आपके इमोशन क्या है, वो ये फील करते हैं कि आपको वो बात काम की है या नहीं है। और यदि वो आपके काम की है तो आपको कितना भी बुरा लगेगा वो बोलेंगे। तो वो उनका स्ट्रगल बताएंगे, और आप लोगों ने शायद हो सकता है कि ज़िंदगी में उतने स्ट्रगल अभी नहीं देखे हैं। और विश्वास मानो, कोई व्यक्ति जिसके बच्चे हों, माता पिता भी हों और परिवार हो और परिवार की जिम्मेदारी हो और उसके बाद में वो सफल हो जाए, तो ऑब्वियसली उसका हक बनता है आपको ये बोलने का कि आप कुछ भी एहसास या कुछ भी सहन अभी नहीं कर रहे हो, सही बात है कि नहीं? तो इसको रियलिटी में मान ला, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हमसे ज़्यादा थी, लेकिन उनके बावजूद वो अच्छा काम कर गए। और उन्होंने जैसे मुझे अभी बताया कि उन्होंने एक्स आर्मी मैन होने के बावजूद उनको कोई कोटा नहीं मिला, वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, इन द सेंस कि उन्होंने अपने नंबर के बेसिस पे सफलता हासिल करी है। तो आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी प्रकार से बस सफलता हासिल कर ली, समझ में आ गया? उन्होंने बकायदा, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आप नंबर लाओगे, ऐसे उन्होंने नंबर हासिल किए, ठीक है? तो ज़ोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे।
मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे आज के अतिथि महोदय, और तालियां बजने लग जानी चाहिए। प्लीज सर आइए सभी। तो क्योंकि सर एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं, इस वजह से हम शुरुआत जो है वो भारत माता के उद्घोष के साथ करेंगे। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बिल्कुल। तो आज जो है ऐसा समझिएगा कि आप अनुभवों की पोटली जो होती है वो आज खुलने वाली है, और सर जितना भी समय लें वे स्वतंत्र हैं, और आप इसलिए उनको सुनिएगा क्योंकि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने अनुभव शेयर नहीं करता, यदि उसके मन में आपको कुछ सिखाने की लालाहट है तो आपको वो भी बोलेगा कि ये गलती मत करना, ये हम करके आ चुके हैं, जो कि निरंतर हर एक शिक्षक अपने अनुभवों से बोलता रहता है। तो आप बैठ जाइए पहले। तो सर नाम से लेकर के काम से लेकर के उपलब्धि तक सब आपको समर्पित, आप ही बताइए। ये मैं माइक आपको देता हूँ और ये मंच आपको देता हूँ कि आज आपसे जो भी ये सीख सकें ये हमारे लिए एक अच्छे, जिसको कहना चाहिए एक सौभाग्य की बात होगी कि यदि आज कुछ ये चार बच्चे भी आपसे कुछ लेके जाएं कि आर्मी का लाइफ क्या था, सिविल लाइफ क्या था, और आगे अब आप कैसे भविष्य को देखते हो, और इनके लिए कोई संदेश। तो ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले यहाँ पे इस कोचिंग में जितने भी शिक्षक हैं, इंक्लूडिंग राहुल सर, मनोज सर, विजय सर और रविंदर मैडम, बाकी दोनों तीनों मैडम के नाम मुझे नहीं पता, दो पंक्तियाँ उनके लिए, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेव चराचरम येन तत्पदे दर्शनेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस धरती पे जितने भी गुरु हैं, चाहे श्री दादाजी हों चाहे वो पढ़ाने वाले गुरुजन हो, सबको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि गुरुबिन ज्ञान नहीं है। और माता पिता गुरु हैं, उसके बावजूद शिक्षक गुरु हैं, और अपने जो गुरु होते हैं वो तो हैं ही हैं, तो गुरुओं के बिना ज्ञान मिलना मुश्किल है। जो मुझे यहाँ से मिला जब मैं सर्विस करता था वहाँ से भी मिला, जहाँ भी जिस भी गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है तहे दिल से मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज दैट मुझ में पढ़ने की एबिलिटी नहीं थी। 40 साल की उम्र में पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। मेरा नाम पंकज तिवारी है, मैं आर्मी से अप्रैल 2021 में रिटायर हो गया था, उसके बाद में कोरोना लग गया, बीच में मैंने पढ़ाई भी ड्रॉप कर दी लगभग एक डेढ़ साल, मैंने जॉब भी करी यहाँ पर सेंट्रल वेयर हाउस में एज ए सुपरवाइज़र लगभग डेढ़ साल काम किया। जॉब छोड़ने का कारण था मेरा पेपर हर बार आधे नंबर और एक नंबर से रुकना, इसलिए मैंने जॉब को ड्रॉप किया, और 3 महीने के अंदर मेरे 3 पेपर निकले, जिसमें एक में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एज ए टेक्नीशियन नोट प्रेस में, दूसरा पेपर मेरा निकला है ITI TO का, जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट का कुछ पेंच फंसा हुआ है, शायद वो क्लियर होगा, आई होप वो क्लियर हो जाना चाहिए, और तीसरा पेपर मेरा अभी 8-10 दिन पहले लिखा है वर्क 2 टीचर का। अब ये तो मेरी कहानी हो गई। सर ने कहा कि एक्सपीरियंस देना है, और मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था, मतलब मेरे दिल में था कि मैं यहाँ आके कुछ ना कुछ दूँ, और उसके लिए कुछ करना पड़ता है, भगवान ने मुझे वो मौका दे दिया है। मैं आप सभी के लिए भगवान से ये दुआ करता हूँ कि आप लोगों को भी ये मौका मिले यहाँ आने का, और इसके लिए स्ट्रगल बहुत ख़तरनाक करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एक सागर है, इसके अंदर बीच तक चला जाता है आदमी, बीच में खूब गोते खाता है, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पता है, बीच से फिर वापस आते, बट अगर वो पार करने की चेष्टा करे तो उतना ही टाइम लगना है,